हम चाहे अनचाहे कर
कर देते हैं उसको शुद्ध करने का। इसमें फिर यज्ञ में होता है हवन यज्ञ में जो भी आहुति में सामग्री डाली जाती है, घी है, सुगंधित पदार्थ है, मिष्ट पदार्थ है, मीठे फल है, सुगंधित है, पौष्टिक है, डाली जाती है, वह सूक्ष्म होकर के उसकी ताकत और बढ़ जाती है और दूर दूर तक फैलती है। कोई भी चीज जो है सूक्ष्म में उसकी ताकत बढ़ जाती है और उसी का स्थूल रूप रहता है तो ताकत कम रहती है। जैसे एक मिर्च को, सूखा मिर्च को आग में जलाया जाए तो बहुतों को उस कमरे में, उस हॉल में, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सभी परेशान होने लगते हैं। लेकिन वही मिर्च ऐसे सामने रखा हुआ है सूखा मिर्च तो कोई दिक्कत नहीं आती है। उसी प्रकार है कि घी के साथ हवन सामग्री पौष्टिक सुगंधित डालते हैं तो उसका कई गुना बढ़ करके उसकी ताकत जो है बढ़ जाती है, उसका सामर्थ्य जो है बहुत बढ़कर अनेकानेक लोगों के पास पहुंच जाता है और उतने वायुमंडल को शुद्ध करता है। वायुमंडल में है कि हवा को भी शुद्ध करता है, वो हवा जल तक पहुंचती है तो जल को भी शुद्ध करता है, फिर मानव मात्र का और मानव मात्र ही नहीं प्राणी मात्र का लाभ पहुंचता है। हवन यज्ञ से और लाभ, प्रत्यक्ष लाभ यह नजर आता है कि मैं कोई प्रिय चीज अगर किसी को देना चाहता हूं और तो केवल अपने प्रियजन को ही दे सकता हूं या ले सकता है, लेकिन अगर ये जो हवन यज्ञ ऐसा है कि इसका लाभ जो हमारे प्रियजन हैं, विरोधी जन हैं, उनको भी स्वतः मिल जाता है। कई लोग का इसमें आशंका करते हैं कि इससे मेरा क्या फायदा, वो घी को मैं खाऊंगा तो फायदा करेगा, शरीर में लगेगा, वो घी को फालतू में जलाते हैं। तो ये सोच गलत है और ज्ञान की कमी है। घी अगर मान लीजिए कि 250 ग्राम या 100 ग्राम घी है, उसको अगर 1000 लोगों को खिलाना है तो खिलाना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन वही 100 ग्राम घी को अगर गर्म कर दिया जाए और उनकी सुगंधी से हजारों लोगों को मिल जाएगी, जैसे हवन यज्ञ में होता है। तो दैनिक रूप में जितना हम लोग अपने क्रियाकलाप से, नित्य क्रिया से हमारे कारण वायुमंडल दूषित होता है, उसके निराकरण के लिए या उसके एवज में उसकी शुद्धता लाने के लिए प्रतिदिन प्रावधान किया गया है वेदों में भी कि सुबह शाम यज्ञ किया जाए, प्रतिदिन किया जाए। 16 आहुति सुबह में, 16 आहुति शाम में अग्नि में डाला जाए। और तो हमारा व्यक्तिगत तौर पर जितनी गंदगी फैलती है उतना उसका निराकरण हो पाता है, इतना कम से कम आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति इतना नहीं कर पाता है प्रतिदिन दोनों शाम, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, पक्ष में एक दिन, महीना में एक दिन करना बहुत ही जरूरी है। और इतना भी ना कर सके तो कहीं यज्ञ वगैरह, हवन यज्ञ वगैरह होता है वहां शामिल हो, उसमें सहयोग करे। शुभ काम अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छा, और नहीं कर पाए तो जो शुभ काम कर रहे हैं उनका समर्थन करना, उनका साथ देना, उसमें सहयोग करना, ये भी पुण्य के कार्य में आता है। हवन यज्ञ जो है कहा गया है कि पुण्य की फैक्ट्री है, कारखाना है। हवन यज्ञ जो करते हैं वो पुण्य कमाते हैं, क्यों कि इसकी शुद्धता से सभी लोगों को, मानव मात्र ही नहीं प्राणी मात्र को
पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सभी को, मनुष्यतर प्राणी को, सभी को लाभ पहुंचता है, चाहे अनचाहे वो लाभ मिलता है और उनके अंत हृदय से शुभकामनाएं निकलती है, अंत हृदय से कृतज्ञता निकलती है। वो पुण्य मेरे को जो करने वाला है यदि करता उसको स्वतः ही मिल जाता है, वो लेना चाहे या ना लेना चाहे। जैसे हम अगर यदि हवन यदि करते हैं तो कोई मेरा प्रियजन हो या अप्रियजन हो, वो लेना चाहे या ना चाहे उसको स्वतः मिल ही जाता है। लेकिन कोई स्थूल रूप से अगर मैं देना चाहूं तो केवल वही लोग लेंगे, या तो देना नहीं चाहूंगा और अगर देना भी चाहूं तो जो प्रियजन मेरा नहीं है वो लेना नहीं चाहेंगे। इसी आधार पर वेदों में कहा गया है कि हवन यज्ञ जो है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य है, मनुष्य प्राणी के लिए सबसे श्रेष्ठतम कार्य जो है यज्ञ है, हवन यज्ञ है, क्योंकि इससे पूरा वातावरण सुगंधित होते हैं जिससे रोग का भय खत्म हो जाता है। तो हम लोगों को यथासंभव या तो करना चाहिए प्रतिदिन, और नहीं कर पाते हैं जो कर लेते हैं उनका साथ देना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है, हमें बहुत सारी सुख सुविधा दिया है और दे रहे हैं बिना मांगे। तो हम लोगों को किसी को बिना मांगे ही अच्छी चीजें, शुद्ध वायुमंडल देना चाहिए, तभी हम मानव मात्र के लिए, मानव जीवन पाने के लिए सार्थक बनेंगे। और ऐसे केवल खाए पिए चल दिए तो मानव मात्र में जन्म लेना वो कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हम जो भी पहुंचे हैं, कहीं भी जिस स्तर तक पहुंचे हैं, उसमें जाने अनजाने अनगिनत लोगों का योगदान है। उसमें मेरे मांगने ना मांगने, चाहने ना चाहने की बात नहीं है। बेशक हमारा उसमें पैसे खर्च हुए हों, बेशक मेरे मेहनत लगा हो, फिर भी परमात्मा की कृपा ना होगी, लोगों की शुभकामनाएं ना होगी तो शायद इतने ऊपर हम लोग नहीं उठ पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो मानव मात्र में जन्म लेने का मेरा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को सुख सुविधा पहुंचाते रहें, और सबसे श्रेष्ठतम कार्य जो है लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करना। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता है तो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ भी करने के लिए ये शरीर ही माध्यम है। और स्वस्थ, स्वस्थ मतलब कि हमारी इंद्रियाएं, हमारा मन, हमारा हृदय अगर प्रसन्न है तभी उसको स्वस्थ बोला जाएगा। स्वस्थ होने का केवल शारीरिक अर्थ से नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। अगर मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। तो स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन को भी स्वच्छ होना है, तन को भी स्वच्छ होना है, और वायुमंडल आपस के आसपास वायुमंडल को भी स्वच्छ होना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। वरना फिर बीमार होने से क्या होता है कि केवल व्यक्तिगत अपनी क्षति ही नहीं होती है, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, घर परिवार, डॉक्टर, दुकानदार, दवा दुकानदार, सभी या उसके प्रियजन, सभी लोग प्रभावित होते हैं। सबों को दुख होता है, सबों को दिक्कत होती है, सबों का समय उसमें जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि स्वास्थ्य अगर जाता है तो धन भी जाता है, समय तो जाता ही जाता है, धन भी जाता है। कोई व्यक्ति अगर बीमार नहीं पड़ता है तो उसका धन स्वतः ही बच गया, उसका समय सही बच गया। तो इसलिए भी हवन यज्ञ जो है जीवन का, मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। कहा गया है कि इस पृथ्वी
सृष्टि का कि नाभि जो है यज्ञ है, इस भूमंडल की नाभि जो है यज्ञ है। यज्ञ जहां होता है उसके कई किलोमीटर दूर तक उसका वायुमंडल का सुगंधित वातावरण जाता है, और एक समय अगर यज्ञ हुआ तो बहुत समय तक उसका प्रभाव पड़ते रहता है, और प्रतिदिन अगर होता है तो फिर वहां कोई विषाणु कीटाणु आने का प्रश्न ही नहीं होता, अगर आ भी गए तो क्षति नहीं पहुंचा पाता है और उसको भागना पड़ता है। तो हम लोग यज्ञ हवन के महत्व को समझें और अपने जीवन में अपनाएं, अपना भी कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें, और इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि गृहस्थ जब हम करें, चार दिन का जब करें, दस दिन का करें, कोई जरूरी नहीं है। सुबह में 16 होते और शाम में 16 होती बहुत काफी है। एक व्यक्तिगत गंदगी को दूर करने के लिए, उसके निराकरण के उद्देश्य से इतना ही अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अपने मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसके लिए ज्यादा उसमें बोझ भी नहीं पड़ता है और कल्याण ही कल्याण है, अपना भी और अन्यों का भी। इनसे जो है आजकल खास करके इसकी उपयोगिता और इसलिए बढ़ गई है कि बढ़ती हुई भाग दौड़ की जिंदगी में गाड़ियां फैक्ट्रियां इतनी बढ़ती जा रही है कि इन गाड़ियों से फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और इस तरह की बहुत सारी विषैली गैसें निकलती रहती है। पहले तो ये गाड़ियां कम रहती थी, फैक्ट्रियां कम रहती थी, तो वायुमंडल दूषित कम होते थे। अभी तो और बढ़ते जा रही है, दिनों दिन गाड़ियों की बेशुमार भीड़ है, फैक्ट्रियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम लोग का दायित्व तो और बढ़ते जा रहा है कि यज्ञ का हवन यज्ञ का मात्रा बढ़ाएं, इसकी संख्या बढ़ाएं, स्वयं बढ़ाएं, करने वाले का सहयोग दें, साथ दें, तभी जो हम लोग मनुष्य जन्म पाने का कुछ मतलब रहेगा। और ऐसे आए चले गए खाए पिए मौज किए, ये तो पशुत्व, पशु मतलब कोई जरूरी नहीं है कि चार पैर वाला पशु। इस मानव देह में भी अगर विचार आत्मीयता का नहीं है, मानवता का नहीं है, तो भी पशु की गिनती में आता है। तो इससे हम अपना मानव जीवन पाने के सार्थक उपयोग के लिए हवन यज्ञ को अपनाए, और कोई करता है तो उसमें साथ दे, समर्थन करें, कम से कम विरोध न करें। अच्छे कार्यों शुभ कार्यों को अगर कोई करते हैं तो साथ दे, सहयोग करें, और नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो कम से कम उसका अनुमोदन तो करें कि हाँ अच्छा कर रहे हैं। अनुमोदन करने में न कोई खर्च होता है, न कोई हमारा परेशानी होती है। तो इस तरह के कार्यों को अपने एकदम अंतर हृदय से साथ देकर के देना हमारा कर्तव्य होता है। इसी प्रकार जितना हो सके अधिक से अधिक हवन को प्रश्रय दें और वायुमंडल को शुद्ध करें। सबसे जैसे विद्यालय खोलना, अस्पताल खोलना, धर्मशाला खोलना पुण्य का कार्य है, लेकिन ये जो हवन करना ये उससे भी बड़ा कार्य है। इसलिए कि अस्पताल या धर्मशाला या विद्यालय उन्हीं लोगों को फायदा होगा, उन्हीं को लाभ पहुंचेगा जो स्वस्थ रहेंगे, और जो बीमार रहेंगे उन्हीं को लाभ पहुंचेगा अस्पताल खोलने से। लेकिन जब हम हवन यज्ञ करेंगे तो लोग बीमार ही ना पड़ेंगे, या बीमार पड़ेंगे तो जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है स्वास्थ्य को दृष्टि में रखें,
करते हुए अपना एवं अन्यों का ही हवन यज्ञ को प्रश्रय दें, प्राथमिकता दें, बाकी जो है ऐसे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि ये मानव जीवन हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिला है। जन्म जन्मांतरों के कितने शुभ कर्मों का परिणाम है, ऐसे ही उसके बाद भी मानव जन्म मिला और मानवता का विचार मन में आया, ये भी हमारे श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का, पिछले शुभ कर्मों का परिणाम है। तो उससे हम लोग आगे भी ये मानव जीवन मिलते रहे, लोगों के हम किसी के काम आए, यही हमारा ध्येय रहना चाहिए, तभी हम जो है इस मानव जाति पाने का अधिकारी होंगे या सार्थक होगा। बाकी तो ऊपर वाले की कृपा होती है और हमारा प्रयास रहता है। कोई भी काम सफल तभी होता है जब हमारा प्रयास होता है और प्रभु की कृपा दोनों होती है। अगर प्रभु की कृपा हो रही है और मैं परिश्रम ना करूं, या मैं परिश्रम ना करूं और प्रभु की कृपा ना हो, मतलब कि हमारा सोच उल्टा पुल्टा हो, तो कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर किसी को यहां से पटना जाना है और घर में बैठे रहे और प्रार्थना करते रहे, हे भगवान मेरे को पटना पहुंचवा दीजिए, मेरे को पटना पहुंचवा दीजिए, तो पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां पहुंचने के लिए उसको अपना प्रयास करना होगा, यहां से चलना होगा, गाड़ी का माध्यम या किसी का माध्यम लेना होगा, तभी वो परमात्मा उसको मदद कर सकते हैं। तो अगर कोई घर बैठे बैठे ऐसा चाहे कि हम केवल प्रार्थना करके पार हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य में प्रार्थना तभी सार्थक है जब उसके अनुसार हम पुरुषार्थ करें, प्रयास करें, कर्म करें, श्रम करें। अगर श्रम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे और केवल प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो उससे कुछ होना जाने नहीं है। परमात्मा की कृपा वही बरसती है जहां आदमी कुछ करता है, इस शरीर से, इस मन से, इस देह से, वो तभी उसको कुछ सफल हो पाता है। इसी प्रकार हम लोग हवन यज्ञ को इस जीवन में अपना करके और लोगों को इससे जोड़कर, लोगों को इसके बारे में समझाकर, लोगों को ज्ञान बांटकर, लोगों को भी अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें, क्योंकि एक व्यक्ति कितना दूसरा कर सकता है। और अगर एक आदमी पांच आदमी को भी अगर जोड़ लिया कि हवन करिए, सत्संग करिए, तो फिर वो पांच आदमी को जोड़ेंगे, तो इस तरह एक कड़ी बन जाएगी और मानव जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, सफल होगा, लोगों को लाभ पहुंचेगा और परमात्मा की कृपा दिनों दिन बरसती रहेगी, ज्यादा मिलेगी। इसी प्रकार हम लोगों को मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हवन यज्ञ को एकदम प्राथमिकता से अपनाना चाहिए, तभी परमात्मा हमें मानव जीवन पुनः देने के लिए विचार करेंगे। वरना ऐसे तो योनियां बहुत सारी हैं जिसमें चाह कर भी आदमी नहीं कुछ कर पाएगा। जैसे मान लीजिए पशु में अगर जन्म हो गया तो उनको तो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहेंगे ही नहीं, उनकी बेचारे को उतनी बुद्धि ही नहीं है। भगवान हमको बहुत बड़ी एक बुद्धि की है कि उसके अनुसार हम जो चाहे शुभ काम कर सकते हैं। इसी आधार पर ये हवन यज्ञ को समझें और खास करके आज की परिस्थिति में दिनों दिन जो प्रदूषित वातावरण होते जा रहा है, इसके लिए और ही ज्यादा आवश्यक होता जा रहा है। एक भजन परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना से प्रस्तुत। दाता ते सुमिरन का ज
शांति शाम शांति रे।